चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर होंगे। इस फैसले से उत्साहित सतना के पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय भरूत नगर पहुंचकर लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कर लोकतंत्र के जीत की शुभकामनाएं देकर उत्सव मनाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जो भाजपा से लड़ना भी जानती है और भाजपा को हराना भी। लोकसभा प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आखिरकार सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय ने भारत में लोकतंत्र के स्तंभ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 अमान मतपत्रों को वैध मानकर आप मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत के लोकतंत्र की जीत है और जनता के वोट की ताकत की जीत है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। ये जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था, ये पूरे धांधली के रूप में भाजपा ने हथियाया था। इसका सीधा सीधा ये समझ में आता है कि इन्होंने हर जगह वोट की चोरी करने की कोशिश की, और कोशिश की ही नहीं, चोरी करके इन्होंने सरकारें भी कई बनाई। कई जगह तो इन्होंने विधायकों की चोरी करके सरकार बना ली। अभी ताज़ा आपका जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ चंडीगढ़ में मेयर बदल करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त मेयर जो था इंडिया गठबंधन का, उसको जीता घोषित किया। इससे यह साबित होता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर बैलेट से चुनाव होता है तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपको देखने को मिला है। तो मैं देश की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं और देश के चुनाव आयोग से यही अपील करना चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए, जिससे पारदर्शिता हो और इन जैसे वोट चोरी करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इस देश को निजात मिले। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब लोग, मेरा अनिल गर्ग का कोटि-कोटि प्रणाम। साथियों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जितनी बड़ी धांधली हो सकती थी उनकी सारी हदें उन्होंने पार कर दी, और ये स्पष्ट हो गया कि उनका जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर था वो भाजपा का एक कार्यकर्ता था, उसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर बना करके उन्होंने जो कुछ भी हो सकता था उसमें सब कुछ उन्होंने करने का प्रयास किया, और एक प्रकार से वो जीत ही गए थे। मेयर चुनाव मेयर घोषित भी हो चुका था। लेकिन मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, वर्तमान में जितने भी वोट चोर पार्टियां हैं, अन्य भी जो लोग अपनी नजरे जमा के बैठे हैं कि हम अपने राज्य में ऐसी सरकारें बना लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, उनको ये करारा जवाब है कि आप इस देश में वही कर सकते हैं जो संविधान जिसकी अनुमति देगा, और ये देश संविधान से चलेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के तानाशाही से चलेगा। जय हिंद, जय भारत।